मतलब मेरे ख्याल से देश हित में ठीक नहीं है, क्योंकि सेना के जवान और उसके साथ जो डॉग होते हैं ना, वो काफ़ी हाईली प्रोफेशनल होते हैं, तो उसके प्रति इस तरह का शायद उनको गलती से हो गया होगा लग रहा, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा व्यक्तिगत। आपको क्या लगता है, 3 तलाक पे तो फांसी ही दे देनी चाहिए अगर कोई ऐसा करे तो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ। चलिए, और कुछ नहीं करना। सर हमारे देश के सेना के बारे में बोलने से अच्छा ये होगा कि चाहे राहुल गांधी जी हों या कोई भी हो, एक बार उनको वहाँ जाके देखना चाहिए, एक बार अपनी सिक्योरिटी को हटा के जाना चाहिए बॉर्डर पे और बता देना चाहिए कि ये सेना अच्छा है या ये हमारे राजनेता अच्छा है। इनको अभी पता नहीं है कि बॉर्डर पे सेना करते क्या है, जब इनको वो पता चल जाएगा तो ये कभी ज़िंदगी में ऐसी भाषण नहीं दिया करेंगे। राहुल गांधी को क्या संदेश देने जाए? देखो, संदेश यही है कि राहुल गांधी जी, एक बार आप अपनी सारी सिक्योरिटी को हटा के बॉर्डर पर जाके दिखाइए, हम समझ जाएंगे कि आप रियली में आगे आने वाले जो 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री के लायक हैं। आप क्या कहेंगे, कल जो राष्ट्रीय योग दिवस था, राहुल गांधी का जो ट्वीट आया और उन्हें आर्मी के जो डॉग स्क्वाड है उन पर एक व्यंग्य किया उन्होंने और बोला कि ये न्यू इंडिया है, तो क्या कहेंगे? वैसे मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी एक बड़े काबिल और समझदार इंसान होते हुए भी ऐसी जवाब दे तो ये गलत चीज़ है, ये देश के हित में अच्छी चीज़ नहीं है। उन्हें नई इंडिया के साथ विद द न्यू इंडिया दे नीड टू मूव फॉरवर्ड ओनली, उनको क्रिटिकाइज नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को, अच्छा ही बोलना चाहिए, ये उनको अच्छा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो फ्यूचर बनना चाहते हैं कुछ इंडिया के लिए तो अच्छा ही बोलें, कुछ चीज़ गलत नहीं बोले, इन फेवर ऑफ दैट थिंग ओनली ही शुड गो फॉर दैट। उनको ये भी लगना चाहिए वो प्रतिपक्षीय नेता हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और ये आर्मी जैसे जो आर्मी जो सामान्य डॉग नहीं होते हैं वो आर्मी को सपोर्ट करते हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, तो उनको लेकर के और उसको न्यू इंडिया के साथ में उनका व्यंग्य करना, तो आपको क्या लगता है उसमें ये सेना का अपमान नहीं है क्या? वो अपमान है, वो गलत है, ही डू नॉट डू लाइक दिस थिंग इन द फ्यूचर ऑल्सो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो ऐसे ही करते हैं ना, देखे राहुल गांधी की समझ वही है, जो बीजेपी करवाना चाहती है राहुल गांधी वही करते हैं, वो परिपक्व नेता है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग। आप अब समझिए ना कि आप जो भी करना चाहते हैं ना, जो भी करना चाहते हैं आपको सोच के बोलना चाहिए, आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, आप ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, संसद में चलाएंगे आप फोन और कुछ ऐसे कमेंट करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में वो गलत बोलेंगे, एयर स्ट्राइक के बारे में गलत बोलेंगे, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए राहुल गांधी को। नहीं देखिए, एक्चुअली उनको लगता है ना, जो राहुल जी को लगता है कि सारा क्रेडिट बीजेपी ले जा रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर बाकी राहुल गांधी एक रेप्यूटेड फैमिली से हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत बंदा है, बस उसकी टाइमिंग इस समय सही नहीं रही है। सब होता है ना कि बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूत है इस समय, तो राहुल गांधी को गलत साबित कर ही दिया गया। 49 ईयर्स है उनको और एक बहुत बड़ी पार्टी के उनके खानदान में सब सियासी एक्चुअली मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है पॉलिटिक्स में, ठीक है, उनको जबरदस्ती जस्ट बिकॉज कि उनके पापा मम्मी सब थे तो इसलिए वो मजबूरी में आ गए, उनके पास कोई दूसरा भाई होता तो मुझे लगता है तो वो नहीं आते जवान, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, वो जबरदस्ती लगाया गया है। और मुझे लगता है जो सलाहकार है ना उनके सजेशंस तो देते होंगे तो वो लोग भी सही नहीं है, जस्ट कि वो जो योगा दिवस पे उन्होंने जो ट्वीट किया कोई भी समझदार आदमी नहीं करेगा, वो प्रधानमंत्री के जो दावेदार भी तो थे, मुझे लगता है कि वो आदमी सही है, बस जो सलाहकार है उसके जो भी बात करता होगा, जो भी अलग बगल है ना उनके आदमी, वो लोग सही नहीं है, मतलब सही सलाह नहीं दे रहे उनको। तो क्या लगता है आपको ट्वीट करने के लिए किसी ने सुझाया होगा उनको इस तरह से? नहीं, देखिए एक बात बता दूं, किसी से बगल वाले से पूछा तो होगा, यार भाई देख मैं ये कर रहा हूँ, कर दूं या ना करूं, है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है उसको अप्रूव किया है और इंटरनेशनल योग दिवस पर कम से कम एक बधाई तो हो जानी चाहिए थी। हाँ वही तो किया उन्होंने, हालांकि पिक जो लिया था सेलेक्ट किया था वो गलत ले लिया था, बाकी उनको समझ में नहीं आया होगा, सही बताऊँ तो अभी भी वो थोड़े बच्चे टाइप के हैं, सही बताऊँ तो हाँ, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी मैच्योर होंगे। विपक्ष में है ना तो उनको लगा कि विपक्ष में है तो कुछ विपक्ष जैसा करते हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं उसके हम खिलाफ करते हैं, तो वो करना चाहे उन्होंने जो किया वो गलत हो गया, वो कुत्ता वाला बात थोड़ा ज़्यादा हो गया, अदरवाइज अ वेरी गुड पर्सन मोदी है, उसका जो अगल बगल के लोग हैं ना
तो जिस दिन राहुल गांधी बनेंगे, एक दिन बनेगा जवान, मुझे ऐसा लगता है एक दिन तो बनेगा वो। जब स्टूडेंट जो है क्लास में, जब स्टूडेंट जो है वो कोशिश करता है कि मैं बड़ा अनुशासित रहूं, लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर है लोकसभा, उसमें वो मस्करी करते हैं, कभी आंख मार देते हैं, कभी मस्करी करते हैं, तो कम से कम देखो एक अनुशासन। लोकसभा पार्लियामेंट में ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, धार्मिक चीजें हों या कुछ ऐसी चीज करते रहते हैं। अभी जो क्या बोलते हैं उसको, शपथ ग्रहण था ना, तो बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, देखा मैंने। तो ठीक है, क्या उम्मीद रख सकते, आंख मार दिया वो कोई गलत नहीं था, हम तो उसे अच्छा मानते हैं, उसे सीखना चाहिए। आने वाले समय में सरकार क्या काम करेगी, क्या काम करना चाहिए, ठीक है, तो उस पर अगर वो जो है प्रकाश डाल रहे हैं और पार्टी को जो आने नई सरकार को जो है वो आगाह कर रहे हैं, इस तरह से जो है देश की संभावनाएं ये हैं। इसमें अगर एक देश का जो है मुखिया अगर कोई बात कर रहा है तो सबको जो है गंभीरता से सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। राहुल गांधी 24 मिनट तक क्या देखते रहेंगे आप? इंटरेस्टेड नहीं है ना पॉलिटिक्स में, मैं बता रहा हूँ, वो पॉलिटिक्स में नहीं है इंटरेस्टेड, वो उन पे थोपा गया है, वो ऐसी फैमिली में, वो हम जैसे लोग हैं, वो ठीक है केरला भवन में खाना खाना चाहते हैं और घर जाना चाहते हैं, वो वैसा है आदमी, बट जस्ट बिकॉज वो पैदा हो गए नेहरू फैमिली में तो उन पे थोपा गया, एक और भाई होता ना भाई तो वो अपना सब संभाल लेता और ये अच्छे से रहता। मुझे तो देने चाहिए कांग्रेस, कांग्रेस में और भी लीडर हैं, अच्छे अच्छे लीडर हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को। नेहरू जी ने इतना मेहनत करके एक बनाया हुआ है, ऐसे कैसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। परिवारवाद के समर्थक हैं क्या? जो पापा मैं करेंगे तो बेटा तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, मेरे पापा बिजनेस अपने बेटे को ही देके जाएंगे, ये थोड़ी ना कि, मगर वो पब्लिक पार्टी है तो वो पब्लिक के लिए ही नॉट ओनली फॉर राहुल गांधी, सबके लिए होना चाहिए, ये लोकतंत्र है ना भाई, इसलिए इसलिए वंशवाद नहीं होना चाहिए वहाँ पे, वहाँ वंशवाद नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पब्लिकली होना चाहिए कि कौन अध्यक्ष हो, हु विल बी द नेक्स्ट अध्यक्ष और नॉट, उसमें वोटिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि राहुल गांधी ही बने और कोई ही बने, उनमें से हम मैं हो सकता हूँ, ये हो सकता हूँ, हु कैन बी एनी कैन बी अध्यक्ष, मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस में कोई काबिल नहीं है, मान कोई काबिल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। आप ये बताइए, उनका जब उनकी पार्टी से पूछा गया तो आनंद शर्मा ये कहते हैं कि कोई मीनिंग सर्च कर रहे होंगे, उनको हिंदी नहीं आती है, वो मीनिंग सर्च कर रहे होंगे, तो उन्होंने इस तरह से उनका डिफेंस किया। किसी बंदे ने कहा था ना भाई, दिल पर पत्थर रख के वो बेचारे क्या करें, वो मजबूर हैं, अपने नेता की कमियों को छुपाना चाहते हैं, क्या करें, अब क्या जवाब दे, कि वो सर्च करने ही कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, फेसबुक देख रहे थे, व्हाट्सएप चला रहे थे या फिर गूगल कर रहे थे, कुछ अलग चीज कर रहे थे, अब क्या बताएं बेचारे, वो उनकी कोई गलती नहीं है जब पॉलिटिक्स में, हाँ ठीक है, ऐसा सब जगह होता है, इट्स टोटली नॉर्मल। आपने बोला ना हम सीखते हैं, आपको लगता है कि जैसा हमारा बचपन, जैसा हमारा वातावरण है उनका भी बीता है? मुझे नहीं लगता कि जैसा नॉर्मल इंडियंस का बीतता है, जैसे संस्कार अनुशासन घर में होते, वो उनका नहीं है। अगर आप उनसे ये उम्मीद, हम आम लोगों जैसा कुछ उम्मीद करते तो आप गलत करते मेरे हिसाब से। ये कौन है, ये इंडियन नहीं है, इंडियंस है बट वो उनका रहन सहन, जैसे मुकेश अंबानी एक अलग है, सबका अलग अलग रहन सहन है, एक हो गया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इज अ प्राइम मिनिस्टर, एक हो गया मुकेश अंबानी इज अ बिजनेसमैन, उनकी जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग है वो दोनों की अलग अलग है, ऐसी ही उसकी फैमिली, वी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, और एक सिंपल मोदी जी हैं वो अलग तरीके से पैदा हुए हैं, उन्होंने संघर्ष देखा है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिशियन, बस मैं एक बात बता रहा हूँ, काम करने का तरीका अलग। आने वाले टाइम में हो सकता है कि पहले एक टाइम बीजेपी की 2 सीटें भी थी, आज ही क्रॉसिंग 300, एक टाइम कांग्रेस की नियर अबाउट 300 थी, आज उनकी 55, तो ऐसा वक्त का है जो पलटता है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। एक दिन बनेगा जवान, और जिस दिन बनेगा आई विश की अच्छा हो, अगल बगल के जो लोग हैं ना ISI पे जो भी लोग होते हैं सलाहकार, उनकी वो सुने, ठीक है, उतना ओपन माइंड रखे कि सुने और समझे और काम करे, हो जाएगा, ठीक है। ये एक आदमी आप काम भी कह सकते हैं ना कि जैसे लोग होते हैं ना उसके सराउंड में उतने ही अच्छे लोग होते हैं। मुझे नहीं लगता IPS और ISO गलत ही हों, मतलब देने वाले भी राय देते होंगे अच्छा, लेकिन अब वो क्या समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो भगवान जाने, राम जाने, वहीं जाने। अब सिद्धू उनका जो है बड़े फेवरेट है, सिद्धू को जो है वो डिफेंस करता है, ये सिद्धू का फेवरेट है, मैं देखो सिद्धू उद्धू का कोई बेस्ट फैन है, मतलब कोई भी फैन वगैरह नहीं हूँ, मैं मायावती को कभी कभी सपोर्ट कर देता हूँ उसके कहने पर, सही बता रहा हूँ भाई। सिद्धू जी सिद्धू को सलाहकार रखना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो आसपास के लोग हैं वो सही नहीं है, मैंने पहले भी बोला, जो गांधी राहुल गांधी के आसपास के लोग हैं
वो सही सजेशन नहीं देते, हो सकता है कि एडवांटेज उठाता हो जवान। राहुल गांधी मतलब पूरी तरह से 49 साल के हो गए हैं, बट वो राहुल गांधी के हिसाब से वो जो मोबाइल में लगे हुए थे वो कहीं से भी गलत नहीं था, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। वो गलत आम लोगों के हिसाब से है, ठीक है, वो उनकी नज़र से अगर उनको पता होता कि जो मैं कर रहा हूँ तो वो कभी नहीं करता। अगर उसको पता है कि मैं कर रहा हूँ वो गलत है, कल ऐसा न्यूज़ बनने वाला है, ऐसा निगेटिव आ जाएगा, तो वो नहीं करते, ठीक है। वो जवान को पता ही नहीं कि जो कर रहा है वो गलत है या सही है, क्योंकि उसका दिमाग उतना ओपन नहीं हुआ, क्योंकि उनका बचपन जो आसपास के लोग हैं वैसा नहीं बीता। अभी देखिए वहाँ पे ये भी जिक्र आया कि हमारा पाकिस्तान को किस तरह से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सारी मेजें थपथपाए जा रही थी, क्या उनकी कान में आवाज़ नहीं आ रही थी कि उनकी मम्मी भी जो है अभिवादन कर रही है, समर्थन कर रही है, वो तब भी नदारद हैं। वो एक जगह ये भी देखा गया था वो मम्मी का हाथ भी जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है जवान, नहीं सुना होगा बंदा, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। जिसको जिसको पोगो देखना होगा वो पोगो देखेगा, जिसको मूवी देखना होगा मूवी देखेगा, और सिंचन जिसको देखना होगा सिंचन देखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बेचारे को कहीं भी बैठा दो कुछ भी देखे। मुझे देखो लव स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे लव स्टोरी नहीं देखना है। अब वैसे ही बंदा है उसको पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबरदस्ती उसमें घुसा दिया जाता है तो क्या करे बेचारा, उसकी गलती मैं 1% भी नहीं मानता हूँ। मैं भी नहीं मानता, इसलिए वो किसी भी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बिल जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं उसके, बिल्कुल बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बिल जो है लोकसभा में पेश हुआ है कल, ये 3 तलाक का, तो उसमें भी जो है उन्होंने अपोज़। 3 तलाक का जो है ना वो असल में लोगों को पता ही नहीं है फैमिली अबाउट दैट थिंग। 3 तलाक एक ऐसी चीज़ है जो अकॉर्डिंग टू दिस सब्सटेंस, आप फैमिली दोनों फैमिली जब शादी करते हैं तो कुरान जिस वक्त कबूल लिखा जाता है फ्रॉम द लेडीज़ डिपार्टमेंट, लड़की के और एक आदमी, तो दोनों तरफ पक्ष से पूछा जाता है कि कबूल है और विटनेस होते हैं। ऐसे ही 3 तलाक किसी के कहने ना कहने से नहीं होता, एक दोनों तरफ के पक्षपात होते हैं, कानून से कुछ नहीं होता, वो फैमिली होती है। जिसने अपनी लड़की दी है उसके बिना पूछा आप किसी तलाक कैसे दोगे, ऐसे ही लड़का है। जब तक आप एक फैमिली नहीं बैठ सकते दूसरी फैमिली नहीं बैठ सकते, जब तक दोनों फैमिली का राजी नहीं होता ऐसे तलाक नहीं होता। और लोगों को मालूम भी नहीं है इस बारे में 3 तलाक है क्या चीज़, जब तक आप उस चीज़ की नॉलेज नहीं रखते आप नहीं मान सकते। ऐसे किसी के कहने से नहीं होता 3 तलाक। और इसका कानून जब बनेगा, जब आप 3 तलाक तो बाद में, पहले रेप का केस देखो ना, आए दिन रेप होते ना, उस पर कानून लाओ, सऊदी अरब जैसे कानून लाओ, दुबई जैसे, जहाँ पे आए दिन मार दे रेप होते तो हाथ पैर गर्दन काट दिया जाए। यहाँ पे तो इंडिया में कानवाई सुनवाई चलेगी 2 साल 20 साल, उसका निर्भय का केस हो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो ये क्या फ़ायदा हुआ, पहले रेप केस दिखाएगा जो हो चुका है जो ठीक है वो सब में कानून। इसमें कानून के लिए जो बिल पेश हुआ है तो क्या लगता है आपको, जो पीड़ित है उनकी तरफ से कंप्लेंट आई है और बहुत पुराना जो है शैबानों केस जो है आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से जो है सिलसिला शुरू होता है। 3 तलाक तो होनी नहीं चाहिए, बहुत गलत है, इससे औरत को आदमी को दोनों को नुकसान है। औरत 4 महीने की इद्दत में हो जाती है, मतलब ही कैन नॉट गो आउटसाइड द बाउंड्री, बैठा देते हैं उसमें। और 3 तलाक ऐसे नहीं होता, जब तक लड़की वाले और लड़के वाले पक्ष दोनों बैठे नहीं, जब तक पूछे नहीं, सलाह मशवरा ना हो, या जैसे अब जो चेंज करें ना, मजिस्ट्रेट के बिना नहीं हो सकता 3 तलाक, ऐसे ही होता है। जैसे जब तक इधर लड़की वाले नहीं हो, इधर लड़के वाले दोनों तरफ नहीं होंगे, जब तक ऐसे नहीं होता। और ऐसे ही केसेस बहुत सारे होते हैं, पेंडेंसी अकॉर्डिंग टू द रोल होता है, सेक्शन सब सेक्शन, इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं होती जो लागू हो जाएँ। और लागू होने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इसमें लोगों को जैसे उनके औलमा मुफ्ती होते हैं उनको बिठा के बात करें बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना ये तो बहुत गुनाह है। 3 तलाक पे तो फांसी ही दे देनी चाहिए अगर कोई ऐसा करे, तो कानून ऐसा होना चाहिए। रेप के साथ साथ इसका भी कानून बनना चाहिए। महिलाएं चाहते हैं कि कानून बने, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको अगर पूछा जाए, हम ओपिनियन लेते हैं तो उन लोगों का है कि हमें बहुत अच्छा है कानून। राहुल गांधी इसका भी अपोज कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कल नजर रही हो और उन्होंने कोई, हाँ उनसे पूछा गया था राहुल गांधी से, मगर राहुल गांधी जी कहते कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए उसमें, ये नहीं कि वो भी मना करते हैं। उनकी पूरी लाइन पढ़ी है मैंने, वो कहते थे कि 3 तलाक क्या, किसी भी लड़की को डिवोर्स देना है लड़के को देना वो गलत है, मगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए 3 तलाक में। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 तलाक किस तरीके से हो, मगर उसके क्राइटेरिया देखा जाता है कि किस तरीके से होता है, कैसे होना चाहिए। अगर 3 तलाक दे तो उसमें तो आदमी औरत अलग बैठ जाएगी, आदमी अलग बैठ जाएगा, आदमी जेल हो गया, औरत को कौन खिलाएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पॉलिटिक्स रोटियाँ सेकेगी उसके बाद ख़त्म, ऐसे होता है। इसमें आज चीज़ अलग होती है, आपको क्या लगता है क्या भाई, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, हिंदू लॉ को कब तक ख़त्म कर दिया। अब भी जो हमारे में क्या होता है, एक शादी कर लिए दूसरा शादी बिना डिवोर्स दिए दे रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगा। आखिर कुछ परिवर्तन तो करना पड़ेगा कहीं भी, तो कुछ तो सबको चुभेगा भाई, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, ये ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसने 3 तलाक दे दिया, अगर वो 3 तलाक दे रहा है बंदा तो वो खिलाएगा औरत को, खिलाएगा नहीं खिलाएगा, कंपनसेशन नहीं देगा, कोई लॉ ही नहीं है, कंपनसेशन नहीं दे रहा है वो,
तो जेल जाना पड़ता है भाई, तुम जेल जाओ, इससे अच्छा तुमने गलत किया तो तुम जेल जाओ, ऐसा गलत काम तुम कर रहे हो तो तुम जेल जाओ, मेरा मानना तो ये है। आप किसी चीज़ को एक कह रहे हो कि उसने 3 तलाक दे दिया और फिर तुमने उसे जेल भेज दिया, ठीक है, जेल भेज दिया तो उस औरत को क्या खिलाएगा? अरे भाई जब उसने 3 तलाक दे दिया तो वो खिलाएगा क्यों उसको? तो यही तो है, जब तो 3 तलाक ऐसे नहीं होता, बिना मायने नहीं जाएगा, जब 2 गवाह होंगे, जब फैमिली वाले नहीं हो दोनों लड़कियों के न लड़के वाले के, तो 3 तलाक क्या कोई भी तलाक नहीं होगा ऐसा। काफी पीड़ित है ना, देखो बच्चे का भी तलाक देना ही गुनाह है, बहुत बड़ी वो है, मजबूरी में जब दिया जाए तो वो अलग चीज़ है, उसमें भी गुनाह है, ऐसा दिया नहीं जा सकता 3 तलाक। मियां को पता ही नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ, वो दे देता वो नहीं, ऐसे ऐसे माना ही नहीं जाता। 3 तलाक बच्चों को खेल दौड़े ना किसी की किस्मत के साथ। ज्यादा बड़ा मामला है वो हलाला का है, प्रॉब्लम हलाला कैसे है, 3 तलाक से प्रॉब्लम है। 3 तलाक का क्या है कि जैसे भाई ने बताया कि वो प्रोसेस नहीं है, बट सुनने में क्या आता है कि एक पति अपनी पत्नी को बस 3 बार बोलता है तलाक 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 और वो तलाक हो जाता है उनके हिसाब से, ठीक है, ये सुनने में आता है, जो कि भाई के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, बट ये रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। अगर अब बाहर की न्यूज़ें सुना जाए तो ऐसा ही हो रहा है और होता आया है, तो प्रॉब्लम वहाँ से, और वो जो 3 तलाक के बाद जो हलाला का होता है उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप अगर गलत मांग रहे हो, कानून गलत आ रहा है, मान रहे हो कि आप कानून गलत है, लेकिन ये मुस्लिम कंट्रियों में भी बैन है, मतलब कि आप चले जाओ पाकिस्तान में बैन है। अमेंडमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीजें अमेंडमेंट्स होती हैं, ये तरीका नहीं है। कौन करेगा, कौन करेगा? सरकार 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 करेगी, तो ये पास होना चाहिए ना। अपोजिशन जो है उसमें समर्थन नहीं करता क्या? इसमें संसद में होना चाहिए ना, जो भी डिबेट हो होना चाहिए संसद में, लेकिन आप वॉकआउट कर जाता है कभी। विपक्ष इसलिए नहीं करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक मिनोरिटी वाला चला जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने से दिखता है कि जो हो रहा है वो गलत है, बट हम सपोर्ट नहीं देते वो लोग, ठीक है। जो 3 तलाक वाली चीज़ है ना सर, वो 3 तलाक जब फैसला जब अमेंडमेंट्स करें तो वो जो उनके इस्लाम के जो सीनियर सुपीरियर लोग हैं, जैसे मुफ्ती अजीज हो गए, आई डोंट फेमिलियर ऑफ दिस थिंग, मगर मुफ्ती अजीज का ये जो देवबंद वाले होगा, इन लोगों से पूछ के रखना चाहिए कि क्या चीज़ हमें अमेंड करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि आप किसी की रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो, उनके सीनियर से नहीं पूछ रहे तो आप कैसे वो कर दोगे चेंजेस? नहीं नहीं, रिलीजन की बात है, आप एक बात बताइए ना, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, क्योंकि मुस्लिम पे 3 तलाक है। देखिए विसंगतियां हैं बहुत ज्यादा, इसके लिए जो है कानून जरूर आना चाहिए 100%। देखिए कानून तो होना चाहिए क्योंकि मिसयूज बहुत चीजों, ये जरूरी नहीं है कि कानून यूज में ही आए, बहुत सारे होते हैं जैसे कि छेड़खानी और डर बना रहना चाहिए, डिसिप्लिन बना रहेगा, मगर इससे पहले रेप का कानून बनना चाहिए, सबसे पहले रेप का, मगर फिर भी क्यों होते हैं? हाँ, कि वो नहीं हो रहा है तो पहले वो करो फिर वो करो, सब जरूरी है, एक करके होगा कानून है, एविडेंस जो हो जाते हैं वैसे हो रहा हो रहा, मैंने सुना वो कहीं पे बालिग को भी दे दिया फांसी की सजा, हो रहा धीरे धीरे हो रहा होगा। 3 या 4 महीने हुए ना, विद इन 7 डेज होना चाहिए ये एविडेंस। हाँ, गलती से देखो, जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है ना, अभी मेरे भाई ने किया क्या है ना कि बाहर की कंट्रीज में कानून है 7 दिन के अंदर, तो ऐसे 7 दिन के अंदर अंदर फांसी टू बी हैंग्ड। एक मिनट, एक कठुआ का केस था ना, उसमें एक विशाल नाम का लड़का था जो कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा था, बाकी लोगों को सजा हुई, उसे छोड़ दिया गया। तो इस टाइप के केसेस चलते हैं भाई, चलाना पड़ता है, कहीं 100 बेगुनाह एक बेगुनाह छूट जाए, मतलब फंसे ना 100 गुनाहगार छूट जाए, एक कानून का नियम है यहाँ का, इंडिया का, ये लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, बात टाइम देना चाहिए। हाँ बिल्कुल सहमत है, सबके लिए कानून एक होना चाहिए, उससे छोटी पार्टियाँ खत्म हो जाएंगी, मगर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, सारी वन नेशन एक वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक कानून, वन नेशन वन लॉ, वो मैं उसमें हक में हूँ, मगर उससे समझ में नहीं आ रहा अभी पढ़ाने में क्या है वो। नहीं नहीं, वो वन लॉ, जैसे मुस्लिम लॉ अलग चल रहा है, क्रिश्चियन का लॉ अलग चला है, हिंदू लॉ अलग चला है, हिंदू तो इस समय खत्म हो गया, हिंदू लॉ लगभग सब जगह थोड़ा बहुत कहीं चला हो, मैं ये नहीं कह सकता पूरी तरीके से, नहीं वन नेशन काशी का है तो वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। देखिए जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसमें काजी का क्या मतलब है? नहीं आप ऐसा मानना होता ना, देखिए ना हिंदुओं में किसी को वेद का नॉलेज है, ना कुरान का नॉलेज मुस्लिमों में है, ना क्रिश्चियनों में बाइबल का, जो जितना सुन लेता है उतना ही यूज करता है, उतना बोलता जाता है। इसी मैटर इसलिए 3 तलाक फंसा हुआ है। आप चले जाइए 90 मतलब समझ लीजिए कि 80% मुस्लिमों को कुरान का पूरा पता नहीं है,
तो उनको जो इधर उधर से जो बोल देते हैं वही वो समझ लेते हैं। कुरान में कुछ गलत लिखा नहीं गया है, लेकिन अब किसी चीज़ को भाई किसी ने बोल दिया तीन तलाक, अब उन्हें आपको साबित करने के लिए कि मैंने बोल दिया तलाक 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 तो ये मेरे कुरान में है गलत हो, लेकिन उन्होंने मान लिया कि मेरे कुरान में ऐसा लिखा ही नहीं है। कुरान में ऐसा लिखा है ना? नहीं लिखा होगा ना कि तीन तलाक बोल देने से तलाक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा नहीं है, नहीं लिखा ना किसी ने कुछ लिखा, ये तो मुसलमान ऐसा नहीं लिखा है। उसका तर्जुमा अलग है, वो आयत मुझे आती नहीं है, मगर उसका तर्जुमा अलग है। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, पूरी नॉलेज वही तो कर रहा हूँ, नॉलेज नहीं है। अपने साथी से मदरसे में मस्जिद में लेके जाऊंगा तो किसी बंदे ने अगर मोहम्मद साहब ने कोई ग्रंथ लिखा होगा तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा और कुछ नॉलेज रख के लिखा होगा। इतनी बड़ी चीज़ें लिखी जा रही हैं तो उसे समझने के लिए बंदे भी होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि गीता किसी को आता नहीं होगा इस समय, कुछ लोगों को आता होगा मान लीजिए। अब उनको नॉलेज नहीं है, मुझे भी नॉलेज नहीं है। अब किसी ने मुझसे ये बोल दिया, मैंने उसी को आगे पास कर दिया और उस बंदे ने दो बंदों ने आगे पास कर दिया, तो नॉलेज है ही नहीं किसी के पास। अब जो जो सुनी सुनाई बातें हैं उसी पर चले जा रहे हैं हम लोग। इंडिया में किसी रिलीजन को नहीं बोलना चाहिए कि उनका बच्चा ज़्यादा है, हमारे हिसाब से सभी के हैं। किसी के धर्म को ब्लेम ना करो, किसी को ब्लेम ना। मेरे गांव में एक आदमी है, उसके 16 बच्चे हैं और दो लोग ऐसे हैं जिनके 16 से ज्यादा हैं। दो लोग बिल्कुल बनना चाहिए। किसी बंदे मतलब किसी रिलीजन को ध्यान में रखे नहीं, सबके लिए रखना चाहिए भाई। सबके लिए बनेगा तो सबके लिए बनेगा। हमारे मजहब में तो लिखा हुआ नहीं, नहीं 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 मजहब में कभी नहीं लिखा हुआ। मजहब में सही था जब लिखा गया था तब के लिए सही था। आबादी बढ़ाने का केस जो है ना वो रसिया में अच्छा है, वहाँ जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास जगह नहीं है अभी रखने के मैं लिए, इसलिए इसको वहाँ भेज रहा हूँ, पाकिस्तान भेज रहा हूँ। मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि साइबेरिया जाके बस जाऊँ, कम से कम इतना अगर वो सुनने लगे ना भाई साहब। तो सही बता रहा हूँ कि अभी 51 सीटें आई हैं ना, वो आके 4 हो जाएंगी, सही बता रहा हूँ। इतने वो ध्यान देने लगे तो जिनका वोट बैंक उनका जो है ना उनका खिसक जाएगा जो वोट पड़ रहे हैं। वैसे भी मोदी मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ ला रहा है, तो हो सकता है कि 5 साल बाद 50% मुस्लिम मोदी की तरफ खिसक जाएँ। तो राहुल गांधी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, उन्हें अपनी राजनीति के अकॉर्डिंग चलना है। अभी आप समझ लीजिए ना, मुझे तो लगता है 5 साल में बीजेपी ने जो करवाया है राहुल गांधी ने वही किया है। बट वो पब्लिकली नहीं करना चाहिए था भाई को, गलत हो गया, वो नहीं करना चाहिए था। वो तो हमारे डॉग के टैलेंट को दिखा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं है, तो गलत मैं मान नहीं सकता कि ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग। अबे भाई साहब क्या समझते हैं? न्यू इंडिया उन्होंने बोला मेरी आर्मी देखो योगा कर रही है, ये तो सीखना चाहिए सबको। हालांकि बंदे ने नहीं किया योगा, वो बात अलग नहीं किया, बधाई भी नहीं दिया, सब लोग बधाई दे रहे थे, इंटरनेशनल बधाई सभी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों दे भाई? भारत जो है योग गुरु है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना है क्या योग? देखो योग तो फिटनेस के लिए है, कोई रिलीजियस नहीं है। आप योगा कह दो, हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वो योगा जैसी। आप पिछली बार देखेंगे पाकिस्तान में सूर्य नमस्कार किया गया योगा में, इंडिया में किसी ने नहीं किया। मतलब किसी ने क्या कि ये मेरे धर्म के खिलाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है तब ये कर रहा है, तो ये पॉलिटिक्स है भाई, पॉलिटिक्स लोग नहीं करते हैं। सारे मुसलमान वैसे नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। वो जो मुसलमानों वाली बात होती है ना भाई है मेरा, ठीक है, तो हमें पता है कि क्या है, मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या है। कुछ लोग रोटियां सेक रहे हैं, सारे मुसलमान वैसे नहीं है, इसके पहले भी दोस्त रहे हुए हैं। मैंने भी नहीं बोला उन लोगों को सूर्य नमस्कार से कोई दिक्कत, मंदिर तक आ जाते हैं यार भाई, मंदिर तक आ जाते हैं, मंदिर हम खुद ही जाते हैं। ये लोग मेरे साथ मस्जिद में गए, खुद लोग हम एक साथ खाते हैं पीते हैं बातचीत। हम कि मेरे इतने नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, मुस्लिम इतने दोस्त नहीं होंगे, ऐसे इनके साथ मेरे साथ है। ग्राउंड लेवल पे सब ठीक है, बट रोटियां सेक रहे हैं। हम लोग घर वालों से भी चीजें शेयर नहीं करते। टीवी बंद कर देना, अपना टीवी बंद कर दे, न्यूज बंद कर देना, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ए भाई बहुत अच्छा है, ए भाई भी बहुत अच्छा है, सारे मुस्लिम अच्छे हैं, सारे हिंदू अच्छे हैं, और टीवी ओपन कर लो। सारे नहीं है। प्रीतेश कुमार फ्रॉम बिहार है। सारे अच्छे नहीं है, गलत बात है, सारे अच्छे नहीं है। कुछ लोग हैं, रही बात तो कुछ लोग हैं। मेरी तो मैं भाई बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि बनारस को बहुत अच्छा बना दिया मोदी जी ने, पहले से बहुत अच्छा। मैं बनारस का रहने वाला हूँ
और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। काशी का ब्राह्मण, काशी का ब्राह्मण। हाँ भाई, भाई साहब ने बोला मैं कोई जातिवाद नहीं लाना चाहता था। कैमरे पे बोल रहा हूँ, एक दिन राहुल गांधी पीएम बनेगा, आज नहीं तो कल 2055-2065 एक दिन बनेगा। और मैं देखना चाहता हूँ जवान को पीएम बना। एमएटी हार गए वो इस बार, कोई बात नहीं चलेगा, बट राहुल गांधी भी बनेगा, ठीक है। मुझे लगता है पोटेंशियल, बस बस मतलब जितना अगर खाली दिमाग है ना जवान, जितना खाली दिमाग है तो अगल बगल के जो लोग आईपीएस आईएएस लोग ही काम करते हैं ना बेसिकली, ठीक है, तो वो लोग मिलके एक अच्छा काम करेंगे। अपना भी तो कुछ दिमाग लगाना चाहिए। हाँ, तब तक बन जाएगा ना, तब तक बन जाएगा। आज के बाद कभी भी वो योगा दिवस पे ऐसा चीज नहीं करेगा, है ना। तो धीरे धीरे गलतियों से सीखेंगे और आज से 20-25 साल बाद अब थोड़ा धीरे धीरे ज्यादा होगा। 65 होता है औसतन एज सबका, डेथ वाला जो है समझ जाएगा जवान। वो खाते पीते अच्छे घर का है जवान। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जैसे एलके अडवाणी का रहा ना कि लास्ट तक नहीं बन पाया प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद बना, शायद राहुल गांधी का भी ऐसे ही कुछ हो जाए, कोई और बन जाए। मेरी भी इच्छा है कि राहुल गांधी बन जाए यार। कांग्रेस को मैं एक मतलब सजेशन देना चाहूंगा कि भाई साहब इस बंदे पर ध्यान दे कि ये बंदा राहुल गांधी को वोट ना दे। आज तक जिसको वोट दिया है वो बंदा हार गया है, जीता है। भी नहीं लगता कि कोई ना सीरियसली लेता है राहुल गांधी को, ठीक है। आपको क्या लगता है कि वो ट्वीट से जो हमारे सेना है उनका मनोबल डाउन हो जाएगा? नहीं हुआ होगा, कम वो हंस के टाल दिया होगा। कांग्रेस आज विपक्ष वही कर रहा है जो बीजेपी चाहती है, और जो बीजेपी करवाती है वही विपक्ष कर रहा है। इतना भी हाँ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है। मैं जो चुनाव का मैं तो ये बोलूँगा कि सब पूरा का पूरा श्रेय जाता है मुकेश अंबानी को। कुछ क्यों, वो भाई ने जियो ला दिया, ठीक है। जियो के कारण क्या हुआ, मानियो मत मानिए आप, पूरे गांव मतलब हर जगह जहाँ जहाँ इंटरनेट नहीं था सब जगह इंटरनेट गया और सब जगह न्यूज़ गया, ठीक है। मेरे गाँव में जियो जाने के कारण अब मेरे गांव की जो औरतें जो आज से पहले लालू के अलावा उनकी किसी नेता का नाम नहीं पता था उनको, ठीक है, कुछ नहीं पता था, अब उनको पता है कि वो जो घर बन रहा है, वो जो पानी का टंकी बना रहा है, वो नीतीश नहीं बना रहा, वो मोदी बना रहा है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले क्या था, कोई काम कर रहा है उसको नहीं पता चलता, ठीक है। अब उनको पता है, जो गाँव की औरतें हैं ना उनको ये बात पता है कि जो काम हो रहा है इसका काम ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका असर पड़ा इस बार है। विपक्ष को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप हुआ नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उठा के काम करवाया जा सकता है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए।